हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताया जाएगा। केमिकल कंपाउंड के कॉमन नेम, केमिकल नेम एवं उनके केमिकल फार्मूला अर्थात साधारण नाम, रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र के बारे में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पांच यौगिक लेते हैं। यहाँ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये जो अक्षर हैं यानी प्रत्येक तत्वों के प्रतीक कैपिटल लेटर में समान साइज के होने चाहिए। तो किसी भी तत्व के यदि टू लेटर्स का उसका सिंबल है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल दिए हुए क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसको जब लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ब्रोमीन, ये इसका जो सिंबल क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल टू लेटर्स का होता है Cl। एग्जांपल देखिए क्लोरीन Cl, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल B एंड सेकंड लेटर जो R होता है वह स्मॉल लेटर का होना चाहिए, यानी स्मॉल R होना चाहिए। ये देखिए कोबाल्ट CO, ऐसे आपको लिखना है कोबाल्ट का फार्मूला। कोबाल्ट का सिंबल CO होता है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर। अगर आप ऐसे लिख दिए तो ये कोबाल्ट का सिंबल नहीं है, ये एक कंपाउंड हो गया, अर्थात इसमें दो जो है एलिमेंट तत्व तो जुड़ गए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी इसका जो नाम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोबाल्ट का जो फार्मूला, जो कोबाल्ट का जो सिंबल है वो जो कोबाल्ट का सिंबल है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। इसी तरह यहाँ आप सब जितने भी देख रहे हैं सोडियम Na, सोडियम का सिंबल Na होता है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर। इसी तरह क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन, क्लोरीन का जो सिंबल होता है फर्स्ट लेटर C कैपिटल लेटर और L जो है स्मॉल लेटर। इनके जो सूत्र हैं आप लोग लिखने में गलती न कीजिएगा, जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना है। यदि आप लोग स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में अंतर नहीं जान रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं उल्टा सीधा, तो उस कंडीशन में आपके जो सूत्र होंगे गलत हो जाएंगे, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रमांक, सीरियल नंबर, साधारण नाम कॉमन नेम, रासायनिक नाम केमिकल नेम, रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है नमक, इसको इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, स्पेलिंग है SALT, और इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, SODIUM सोडियम, CHLORIDE क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका जो सिंबल होगा, इसका जो केमिकल फार्मूला होगा NaCl, Na सोडियम, Cl क्लोराइड। तो Na का मतलब सोडियम, तो सोडियम का प्रतीक क्या है Na और क्लोरीन का प्रतीक Cl, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर। इसी तरह क्लोरीन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर। चलिए अगला देखते हैं तेजाब, इसको हम इंग्लिश में ऑयल ऑफ पेट्रोल कहते हैं, स्पेलिंग है OIL, ऑयल OF ऑफ VITROL पेट्रोल। इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन सल्फेट, यानी तेजाब का केमिकल नेम रासायनिक नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी स्पेलिंग होगी HYDROGEN हाइड्रोजन, SULPHATE सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका जो फार्मूला होगा H2SO4,
ये जो काउंटिंग लगी हुई है इसको नीचे लगाना है, तत्व के एलिमेंट के नीचे दाईं ओर रखना है, इसके बगल मत लिखना, ऐसे मत लिखना है, गलत हो जाएगा। इसे ऐसे ऐसे अगर आप लिख दिए तो ये गलत है। ये जो नीचे हम लिखते हैं गिनतियाँ, ये दर्शा रही हैं कि इस यौगिक में जो तत्व है उससे कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, तो परमाणुओं की संख्या को नीचे लिख करके दर्शाते हैं, ऐसे आपको लिखना है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप जो है जो गिनतियाँ होंगी उस अक्षर के बराबर मत बनाइएगा, उस अक्षर के दाईं ओर नीचे साइड आपको लिखना है। जब भी आपको गिनतियाँ मिलेंगी, जितने भी अंक मिलेंगे उनको जो है आप अक्षर के लेटर के दाईं ओर नीचे लिखेंगे, थोड़ा नीचे खिसका करके, उसके बराबर आप उसको न लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जो कंपाउंड है उसका नाम है जल, उसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं, स्पेलिंग है WATER। इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। स्पेलिंग क्या होगी? DIHYDROGENOXIDE। इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? H2O। H2 मतलब डाई हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगला यौगिक है खाने वाला सोडा, इसको इंग्लिश में बेकिंग सोडा कहते हैं, स्पेलिंग है BAKING SODA। BAKING बेकिंग और SODA सोडा, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। स्पेलिंग क्या है? SODIUM सोडियम BICARBONATE कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला सोडियम NaH, और बाइक मतलब एच, और CO3 कार्बोनेट। एच का मतलब यहाँ दर्शा रहा है बाई, तो NaHCO3। ये देखिए जो थ्री लगा है हमेशा नीचे लिखना है, बगल में अक्षर के बगल में लेटर्स के बराबर डिजिट को नहीं बनाना है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है धावन सोडा, इसको इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं, स्पेलिंग होगी WASHING SODA। WASHING SODA सोडा। इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। इसकी स्पेलिंग SODIUM सोडियम CARBONATE कार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला होगा Na2CO3। आगे देखते हैं, अगला नंबर है खड़िया, इसको इंग्लिश में चाक कहते हैं, स्पेलिंग है CHALK। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, स्पेलिंग है इसके CALCIUM कैल्शियम, CARBONATE कार्बोनेट। इसका जो सूत्र है CaCO3, CA मतलब कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट। अगला है सिरका, इसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, स्पेलिंग है VINEGAR। एसिटिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, स्पेलिंग है ACITICACID एसिटिक एसिड, और इसका केमिकल फार्मूला है रासायनिक सूत्र CH3COOH। अब अगला यौगिक है विरंजक चूर्ण, इसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, BLEACHING POWER पावर, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, स्पेलिंग है CALCIUM कैल्शियम, OXYCHOLORIDE ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र है केमिकल फार्मूला CaOCl2। रंजक चूर्ण को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं।
अब आगे आते हैं, नवा नंबर है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की स्पेलिंग है CHLORO FORM, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इन निश्चेतक के दवा के रूप में कार्य किया जाता है, बेहोश करने वाली जो दवा होती है उसी को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है ट्राईक्लोरोमेथेन। स्पेलिंग है TRICHLORO CHLORO FETHANE, क्लोरोमेथेन। और इसका रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला CHCl3। आगे अगला वाला यौगिक है शुष्क बर्फ ड्राई आइस। इसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका केमिकल फार्मूला है CO2। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों को इसके आगे यौगिकों के बारे में बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर क्लिक करें। जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।